हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप मेरे चैनल देख रहे हैं माय चॉइस प्रॉपर्टी। आज मैं आपके लिए ATS रैप्सोडी प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। अभी हम खड़े हुए हैं ATS गोल चक्कर, यानी कि आप सेंट्रल नोएडा से आते हैं, सेक्टर 78 79 से ब्रिज क्रॉस करते ही आपका ये ATS गोल चक्कर आता है। सामने देखेंगे बस जा रही है, सेंट्रल नोएडा के लिए जा रही है, सेक्टर 78 79 के लिए। अगर हम इधर बात करते हैं तो ये सामने देखेंगे, ये आपका गौ चौक के लिए रोड चला जाता है सीधा। यहाँ से आप सीधा गौ चौक जा सकते हैं। एंड आप इधर जाएंगे, ये बस जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये रोड जा रहा है आपका सीधा हनुमान मंदिर गोल चक्कर। वहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप गौ चौक निकल जाएंगे, अगर राइट लेते हैं तो ब्रिज चौक के लिए निकल जाएंगे। सामने हमारी ये बिल्डिंग आ जाती है ATS रैप्सोडी के नाम से, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आज मैं इसके अंदर आपको 3BHK प्लस स्टडी के साथ 1800 स्क्वायर फीट वाला साइट दिखाने वाला हूँ। एंड हम देखने वाले किस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है हमारा, तो रेडी टू मूव स्टेज पे हमारा ये प्रोजेक्ट पहुँच चुका है। ये आप देखेंगे टावर की लॉबी आ जाती है, जैसा आप देख रहे हैं इसी टाइप की आपकी लॉबी रहने वाली है। एंड फ्रंट की बात करें तो टावर का एलिवेशन जो आएगा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टावर का मेन एंट्री गेट आ जाता है, यानी कि लॉबी आ जाती है। उसके बाद में हमारे ये फ्लैट स्टार्ट होते हैं, 1800 स्क्वायर फीट 3+ स्टडी के साथ आता है। तो मैं ये आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। एंटर करते ही राइट हैंड में आपको स्टडी रूम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग। ये हमारा मेन गेट आ गया। एक फ्लोर पर अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट आ जाएंगे, 4 लिफ्ट आ जाएंगे एंड 2 स्टेयर्स आ जाएंगे। एंटर करते फ्लैट के अंदर राइट हैंड पे आपको स्टडी रूम देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर सोसाइटी की लैंड की बात करें तो 6.75 एकड़ की है, जिसके अंदर आपको 7 टावर देखने को मिल जाते हैं। 4BHK एंड 3BHK दो ही साइज, ओनली 2 साइज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो रेडी टू मूव स्टेज पे है, नेक्स्ट ईयर से इसका हम पोजिशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। सामने आपकी अटैच बालकनी आ जाती है, ड्राइंग एंड डाइनिंग से आपकी अटैच बालकनी रहेगी। अभी हम खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्लोर आ जाता है आपका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं काम काफी स्पीड से चल रहा है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम इसमें काम की बात करें तो फुल मॉड्यूलर किचन हो करके आपको मिलने वाले, जो कि बिल्डर दे रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पार्किंग का स्पेस बनाया जा रहा है, तो नीचे कवर्ड कार पार्किंग आ जाएगी। एंड ऊपर आपका पार्क हो गया, क्लब हाउस हो गया, जिम हो गई एंड स्विमिंग पूल हो गए, बहुत सारी अमेनिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें मान के चलिए स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। एंड क्लब हाउस का आपको एंड पार्क का इसका थोड़ा काम देखने को अभी नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका किचन आ जाता है, तो 2 साइड स्लेप आ जाती है, ये आपका किचन रहेगा। किचन के साथ भी आपको अटैच बालकनी मिलेगी, ये आपकी बालकनी हो जाएगी, यूटिलिटी के लिए बालकनी ये वाली दी हुई है। तो प्लस पॉइंट यह आ जाता है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 4 ही लिफ्ट देखने को मिल जाती है, 2 स्टेयर्स आ जाते हैं। अगर आप 4BHK में जाते हैं 2400 स्क्वायर फीट वाले में, तो उसमें एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट मिलेंगे एंड उसमें 3 लिफ्ट देखने को मिल जाएंगे, आपको 2 स्टेयर्स मिल जाएंगे। ये हमारा आ जाता है कॉमन वॉशरूम, एंड बिल्डर आपको इसे सेकेंड बेडरूम से अटैच करके दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। सामने देखेंगे आपका मास्टर बेडरूम एंड ये सेकंड बेडरूम, राइट में आपका थर्ड बेडरूम। तो ये आप देखेंगे एक हमारा बेडरूम ये आ जाता है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम रहेगा एंड अटैच बालकनी रहेगी। तो आप कुछ स्पेस देखेंगे, आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। ATS रैप्सोडी अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इसकी लोकेशन आती है। सेक्टर 1 के अंदर आपको ATS के 2 प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ATS रैप्सोडी हो गया, ATS डेस्टिनियर्स हो गया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट नियर बाय आ जाते हैं, सेक्टर 1 की प्राइम लोकेशन पे ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाला आप देखेंगे बेडरूम, यह हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है, इसके साथ भी अटैच आपको बालकनी देखने को मिलेगी एंड इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपका एक बेडरूम आ जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम हम देख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ बेडरूम का लेआउट इस टाइप का रहेगा। एंटर करते ही आपका राइट हैंड पे वॉशरूम आ जाता है, ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, सामने आपकी बालकनी आ जाती है।
तो इसके अंदर आपको पार्क फेसिंग एंड रोड फेसिंग दोनों यूनिट देखने को मिल जाती हैं। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो अभी हमारे पास कैंसिलेशन में फ्रेश के अंदर 40 यूनिट के करीब आई हुई हैं, तो आपको यूनिट मिल जाती हैं। तो अगर आप इसके अंदर सर्च कर रहे हैं और एक अच्छे डील लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी डील मिल जाएगी अच्छे रेटों के साथ, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। एंटर करते ही आपको फॉयर एरिया देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड पे आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड ये आपका पूरा वॉशरूम का स्पेस रहेगा। तो वॉशरूम के साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ दिए हुए हैं वॉशरूम के, काफ़ी बड़े वॉशरूम देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज इसके डिटेल्स वगैरह लेना चाहते हैं, प्राइस वगैरह, प्राइस लिस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकता हूँ, अदरवाइज आप कॉल करके डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम हो गया, यानी कि मास्टर बेडरूम आ जाएगा। इसके साथ भी अटैच बालकनी देखने को मिलेगी। प्रॉपर पार्क फेसिंग में आपकी यूनिट आती है। फ्रंट वाला ये टावर आ जाता है आपका, सामने देखेंगे CRC प्रोजेक्ट आ जाता है, एंड ये हमारा मेन रोड आ जाता है जो कि ATS से लेकर के हनुमान मंदिर गोल चक्कर के लिए जा रहा है, तो उस वाली फेसिंग में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारा 1800 स्क्वायर फीट वाला लेआउट। अदरवाइज और भी कुछ क्वेरी हो तो स्क्रीन पे नंबर उसे रखा है, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी डील मिल जाएगी अच्छे रेटों के साथ। अगर हम इसके प्राइजिंग की बात करें तो 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है इसके अंदर, प्लस कुछ अदर चार्जेस है वो आपके अलग से आ जाते हैं। अगर आप एक अच्छी डील लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा होगा, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी डील मिल जाएगी अच्छे रेटों के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम न्यू वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।